नमस्कार दोस्तों, के लाइव न्यूज़ चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ਬਲਾਓ ਬਲਾਓ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦੂੰ ਜਦੇ ਆਪਿਆ ਜੁਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ ਆ ਬਰੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਆਪਿਆ ਜੁਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ ਪਰਚੇ ਕਰੋ ਪਰਚੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪੰਜਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਪ ਕੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਸਾਹ ਹਮ ਕੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਸਾਹ ਹਮ ਕੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੂਮ ਆਦੀਆਂ ਨੇ नजायज जी अपन गैर कानूनी होंगे अज सुखदैन इन्वेस्टमेंट जी है जिंदा रकबा लगभग 5 किले है वो असी खरीदी है रजिस्ट्रियां कराई हैं और बाउंड्री वाल हुई सी कुछ बंद ने उन्होंने कमर्शियल यूज़ करने की कोशिश की कि नाल ही प्रॉपर्टी दीवारा तोड़ के अज कब्जा किया पुलिस मौके पर सी उन्होंने साडे घर के जाने राह पुटते हैं तीन तीन फुट मौके पर गवाह है और इन्ना होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की साडा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ किसी पार्टी के खिलाफ ना रूलिंग दे ना ओपोजिशन कोई धरना नहीं है ये धरना है कि आज जो गुरदासपुर हालात पैदा हो गए ने हायर किए बंदे उत्थे आए ने पुलिस ट्रेस करे इन्वेस्टिगेशन करे कि इन्नियां धमकियां को और वैपन से उन्हां कोलों भर के गड्डियां आईयां और लेडीज़ नूं कह के कि हुण जाके सुरक्षा मुहैया करा लो प्रशासन कोलों और प्रशासन ने कुछ नहीं किया और इन्हें लिया कि संतान अगर अज भी साढ़े परचा दर्ज ना होया तो कल कोई वाला जरा प्रोटेस्ट लीकिया जाएगा सानू ये चीज़ तो पार्टियां ब्लॉक करते नहीं जिहड़े जिहड़े भू माफिया होंगे ने कोई पार्टी नहीं होंगी कोई उन्हों का मजहब नहीं होंगे कोई धर्म का उन्हों का मजहब होंगे पैसा पैसा कमाया जाए प्रशासन का घर भरया जाए अपना कराया जाए और अज और अपने प्रधान जनरल सैकटरी में है ह्यूमन वैलफेयर एसोसीएशन इस पवन जी अगर चाहते हैं कि अगर प्रशासन ने परचा ना दर्ज किया पॉसिबिलिटी है कि प्रशासन के कल कोई होर इसको वाला मदद करना पाए असी बड़े दुखी हाँ असी परेशान हाँ अगर सानू कोई वड्डा स्टैप भी चुकना पिया कि जिम्मेदारी प्रशासन की होएगी असी हरे जेब च किन्ना सुसाइड नोट पा घूमने पे और प्रशासन की जिम्मेदारी है प्रशासन ने सानू अज ब्लैकमेल किया वो सब इंस्पैक्टर से गए हैं और नुक्कर के खड़े मेरे को बाइक पी है जे ना हो मैं बाई नेम हाई कोर्ट भी जावगा कुछ नहीं किया जी सरकार ने खड़े होकर सारा कुछ तोड़ा जा रहा है लेकिन पुलिस कह रही है की हो रहा जी उत्थे वो है की दसो जी सानू पुलिस ला के सामने खड़े दोबारा टुटिया सामने खड़े हो गए रोड तोड़ी गई है सामने खड़े हो गए सीवरेज तोड़े गए ने लेकिन पुलिस कह रही है जी होया की है पता ये सब बंदा होला कोई है ला के बंदे नु की लोड पई सी ते ने जेसीबी ला कब्जा करन दी जे उना को कोई राइट सी जे उना को कोई डॉक्यूमेंट सी जो पुलिस नु मदद लेंदे असि हर हर गायब पुलिस की मदद ली है 15 दिन बाद साड़िया कब्जा किया क्यों कि यह जगह 6 लाख मरले की है साड़ी लख के मरले की ना रल जाएगी इस करना है और इसका जो प्लेबैक सिंगर है बैकग्राउंड तो कोई होर है फ्रंट तो कोई होर ने और उन्होंने लोगों ने अज इन धमकियां दीं अगर कलोनी के किसी बछिंदे का नुकसान जानी या माली होया तो जिम्मेदार वो लोग नहीं प्रशासन होएगा क्योंकि प्रशासन उगाह कर चुके हैं कि साड़ी सिक्योरिटी लाओ इन्नी बदमाशी पै गई अज तो 4 साल पहले भी धरने लाए थे भू माफिया के खिलाफ अज भी लाने पे सानू इंसाफ नहीं मिल रहा साड़ी इको ही है कि अगर कुछ बंदियां ने ठेका ले लिया शहर का बेड़ा गर्क करन दा तो असीं वी टक्कण लई तैयार हाँ हर वेले तैयार हाँ हाँ अगर सानू इंसाफ नहीं मिलिया कल नू होर इन्हू रोस्टर ना करांगे हाई कोर्ट के साड़ी पटीशन जी कल या परसों फाइल हो जाएगी और वो बाई नेम डाकूमेंट्स लैके प्रशासन में पार्टी बनावे और दुकाना साड़ी देखो काउंसल देखो अगर इतने कोई एक फुट इनक्रोचमेंट करना वो देंगे और छनिया रोड के उपर एक कंपलैक्स बिल्कुल सही बनया दूजा 6 फुट गवर्नमेंट की जगह मल के बनया कीता की है जी सानू बेवकूफ ना बनाओ असी किसी के अगेंस्ट नहीं हाँ किसी पार्टी के नहीं हाँ किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट नहीं हाँ असी अगेंस्ट हाँ बुराई के अगेंस्ट हाँ और झंडा बुलंद करेगा।
कॉलोनी के वसनीक ने काफी आरोप लगाए हैं और थाने के बाहर धरना भी लगाया और काफी आरोप लगाने आपके ऊपर की 150 के बंदे के करीब कॉलोनी में आके उन्होंने हमारा काफी नुकसान किया है और हमें उनसे खतरा है, आपका क्या कहना है? देखिए, ना तो कोई उनके साथ जाती हुई है, जाती तो मेरे साथ ही होती रही है। वो जगह जो जिसके ऊपर ये कह रहे हैं वो बहुत पहले 2 साल पहले बिक चुकी थी, मतलब उसका बयाना हो चुका था। इन्होंने 2 साल से उस कॉलोनी का काम रोक रखा है, जबरदस्ती वहाँ पे 2 दीवारें भी बनाने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं कहा इनको कि जैसे होगा टाइम से अपने आप सब ठीक हो जाएगा, पर वो मान ही नहीं। जिन लोगों ने खरीदी है उन लोगों ने पैसे खर्चे हैं, मुझे तो अभी पूरे नहीं भी दिए पर फिर भी उन्होंने पैसे खर्चे हैं, उनके पैसे का कोई वो मूल्य ही नहीं है कि ये लोग उनको धक्का करते चले जाएंगे। कॉलोनी में उन्होंने अपने घर खरीदे हैं, ज़रूर खरीदे हैं, बनाए हैं, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी और कोई कुछ खरीदता है तो उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर। उन्होंने आरोप लगाया कि जो कॉलोनी को जाती जो सड़क है उसको भी उखाड़ा गया है, उनके घर जो रास्ता बंद हो गया और काफी उनको टेंशन में लाया गया है, उनको धमकियां तक दी गई हैं लेडीज को। ये गलत बात है क्योंकि मेरे साथ तो खैर किसी लेडी वेडी की बात ही नहीं हुई, किसी लेडी की बात नहीं हुई मेरे साथ। मैं वहाँ पे अपनी समाधों में बैठा हुआ था और थोड़ी देर के बाद मैं उठ के चला गया। जब इन लोगों का आपस में झगड़ा होना शुरू हुआ मैं वापस चला आया। मेरे जी सुखदा इनकलेव है हरदोशनी रोड से, उस रोड से सुखदा इनकलेव के जड़ा कलोनी का मालक है जिन्हें कलोनी कट्टी सी पुडा भरूर कलोनी है, कर्नल एन के कौशल, इन्हें इन्हों का कोई कलोनी वाले कोई डिस्प्यूट चल रहा जो कोर्ट भी मैटर पेंडिंग है, पर कोर्ट के मैटर इग्नोर करते हुए अज उन्हें सवेरे कोई 100-150 के आस पास जो इन्होंने दसाया कलोनी वाले ने बंदे लिया के उस कलोनी के अंदर एंटर करके उत्थे जी सड़क सी घर जा रही उस सड़क की सारी पुट दी है, 2-2, 2.5-2 फुट पुट के जो बूटे लगे से बूटे भी सारे डिस्ट्रॉय करते हैं, जो लेडीज सगिया घर जो उस वे लेडीज अवेलेबल सी उन्होंने गाल मंदा भी किया और हूँ असी मौका दे के आए हैं। ये लोगों की डिमांड सी उत्थे जो कानूनी कार्रवाई बनती वो की जाए। मैं हुणे जस्ट थोड़ी देर पहले मौका दे के आया और उन्होंने खिलाफ कर्नल एन के कौशल और साथियों के खिलाफ जोड़े बंदे उत्थे आए जी असी FIR लॉन्च कर लगे हैं तो कानूनी कार्रवाई अमल च लियाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन।